आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत प्रथम चरण में जहां बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन संपन्न होना है, उसके लिए कुल 17 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 11 है। इस चरण के लिए फॉर्म 7A प्रारूप 7 क के प्रकाशन के पश्चात मत पत्रों, जिसमें डाक मत पत्र भी शामिल है और बैलेट यूनिट के मत पत्र भी शामिल है, इनके मुद्रण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण के जो हमारे 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें 6 राजनांदगांव, 9 महासमुंद और 11 कांकेर, इसमें नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना 28 मार्च 2024 से प्रारंभ हो गया है और आज नामांकन का तीसरा दिन था। अब तक द्वितीय चरण में कुल 20 अभ्यर्थियों के 31 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इसमें राजनांदगांव में कुल 8 नामांकन प्राप्त हुए हैं, अभ्यर्थियों की संख्या 5 है। महासमुंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु कुल 14 नामांकन प्राप्त हुए हैं और अभ्यर्थियों की संख्या 8 है। इसी प्रकार कांकेर में कुल नामांकन पत्रों की संख्या 9 है और अभ्यर्थियों की संख्या कुल 7 है। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्रों की जो मतदाता सूची है, निर्वाचक नामावली, वह दिनांक 27 मार्च 2024 को फ्रीज की जा चुकी है, अर्थात अब उसमें किसी भी प्रकार का नाम जोड़ने, काटने या संशोधन का काम संभव नहीं होगा फर्स्ट फेज के एसीज के लिए। इस चरण में निर्वाचकों की कुल संख्या 14,72,207 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 7,476, महिलाओं की संख्या 7,71,679 और थर्ड जेंडर्स के निर्वाचकों की संख्या 52 है। 1 अप्रैल तक जब्ती की जो रिपोर्ट है वो इस प्रकार है। कैश 9,11,00,000 रुपए जब्त हुआ है पूरे प्रदेश में। लीकर 24,226 लीटर, जिसकी वैल्यू लगभग 56 लाख है। ड्रग्स एंड नारकोटिक्स 885.8 kg, इसकी वैल्यू लगभग 1.6 करोड़ है। प्रीशियस मेटल्स 24.16 kg सीज हुआ है, जिसकी वैल्यू लगभग 1.64 करोड़ है। अदर आइटम्स, जिसमें फ्रीबीज शामिल है, उनकी वैल्यू लगभग 17.58 करोड़ है जो सीज हुए हैं। इस प्रकार जो अब तक जब्तियां हुई हैं उनका टोटल वैल्यूएशन 30,47,00,000 का है। ये जो फिगर है ये 16 मार्च के पश्चात का है, 16 मार्च से लेकर अब तक 1 अप्रैल की स्थिति। तो ये हमारे तरफ से जो आप लोगों को जानकारी दी जानी, विधानसभा क्षेत्रों की जो अंतिम प्रकाशित नामावली है जिसके आधार पर निर्वाचन संपन्न होगा, ये हमारे राज्य की वेबसाइट co.chhattisgarh.nic.in में होस्ट भी की जा चुकी है। सेकेंड फेज के जो हमारे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की नामावली 4 अप्रैल 2024 को फ्रीज कर दी जाएगी। जैसा कि पहले भी दिनांक 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को बताया गया था, प्रथम चरण हेतु मतदान केंद्रों की कुल संख्या 1961 रहेगी। इसमें 4 सहायक मतदान केंद्र भी सम्मिलित हैं। प्रथम चरण में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 12,703 है। प्रथम चरण में सेवा मतदाताओं की संख्या 1,603 है, जिन्हें दिनांक 31 मार्च 2024 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोस्टल बैलेट ऑनलाइन ट्रांसमिट किया जा चुका है। अब इनकी वापसी डाक विभाग के माध्यम से प्रत्येक दिवस 3 बजे बस्तर के जो जिला मुख्यालय जगदलपुर में होगी। इस हेतु आज हमारे द्वारा डाक विभाग के अधिकारियों की भी बैठक ले जाकर उनको नोडल अधिकारी नामित करने और संबंधित डाकिया को नामित करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। फर्स्ट और सेकंड फेज के जो हमारे 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनमें ईवीएम मशीनों का जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर फर्स्ट रेंडमाइजेशन पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें विधानसभा वार मिनिमम 120% बीयू और सीयू और 130% वीवीपैट की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। फर्स्ट फेज के लिए जो होम वोटिंग की फैसिलिटी थी, जिसमें 85 प्लस एज ग्रुप के इलेक्टर्स और पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स अपना आवेदन कर सकते थे फॉर्म 12D में, इनके हमको कुल 254 आवेदन प्राप्त हुए हैं, 140 वृद्ध जनों के और 114 दिव्यांग जनों के। अब
पत्रों के मुद्रण के पश्चात पोलिंग टीम के द्वारा इनके घर घर जाकर मतदान कराया जाएगा, जिसकी सूचना रूट चार्ट आदि सभी जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी प्रदान की जाएगी। सी विजिल जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिस पर एमसीसी के वॉयलेशंस की कंप्लेंट्स आती हैं, इस पर अब तक 217 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 149 पर कार्यवाही कंप्लीट की गई है, मतलब ये शिकायतें सही पाई गई और इस पर एक्शन लिया गया। 68 शिकायतों को ड्रॉप किया गया है, मतलब या तो ये रिपीटेटिव नेचर की थी या फिर फॉल्स कंप्लेंट्स। आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत राज्य में अब तक प्रचार प्रसार संबंधित विभिन्न अनुमतियों के हमको कुल 287 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 231 स्वीकृत किए गए हैं और 31 निरस्त किए गए हैं। शेष 85 आवेदन अभी अंडर प्रोसेस हैं। आचार संहिता के दौरान बैनर पोस्टर आदि निकाले जाने की कार्यवाही इस प्रकार है। बैनर कुल 68,533 बैनर्स हटाए गए हैं। पोस्टर्स 1,10,465 पोस्टर्स को हटाया गया है। वॉल राइटिंग टोटल 1,34,698 वॉल राइटिंग्स रिमूव की गई हैं और अन्य जो कार्यवाहियां हुई है इसमें 86,908 इनसे संबंधित हमने कार्यवाही की है। इस प्रकार कुल 4,604 बैनर पोस्टर आदि निकाले जाने की कार्यवाही प्रदेश में अब तक की गई। देखिए, इसके लिए हमने प्रेस नोट भी इशू किया था और इसके बाद एक मीटिंग भी करी थी। इस बार ऐसे मीडिया कर्मी जिनको प्राधिकार पत्र जारी होगा उनके लिए आयोग के द्वारा डाक मत पत्र की व्यवस्था की गई है। ये एसेंशियल सर्विस वोटर्स कहलाएंगे और इनको भी फॉर्म 12D में आवेदन करना होगा। अगर ये इच्छुक हैं तो ये फॉर्म 12D में आवेदन कर सकते हैं और सहायक रिटर्निंग अधिकारी इनको पोस्टल बैलेट इशू करेगा, जो पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में निर्मित किया जाएगा और पोल डे के पहले पोस्टल वोटिंग सेंटर पर ही इनका मतदान करवा लिया जाएगा। बेसिकली सी विजिल कंप्लेंट्स में आई है और इसमें जो शिकायतें आती हैं मैक्सिमम जो बैनर पोस्टर्स लगे रहते हैं 217 में 149 उसी की तरीके की शिकायतें हैं जिनको डिस्पोज किया गया।